जय माता रानी दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2021 में कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है, वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, उसकी कथा सुनने का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यानी 2021 में वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून को दोपहर 1:57 पर हो जाएगा और 10 जून को 4:20 तक रहेगा। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के लिए पूजन की क्या क्या सामग्री चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत और भिगोया हुआ चना, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है, ये जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बांस की टोकरी में या जो भी आपके पास हो उसमें पूजा की सारी सामग्री को लेकर वट वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष के नीचे सफाई कर लें और वृक्ष पर जल चढ़ाकर सभी पूजन सामग्री को अर्पित करें। अब कच्चा सूत या कलावा से वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए श्रद्धा अनुसार 5, 7, 11 या 21 बार लपेटें। बरगद के पत्ते को बालों में लगा लें और इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुनें, फिर आरती कर लें, उसके बाद प्रसाद बांटें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत की कथा को केवल सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आऊँगी। जय माँ गौरी, जय सत्यवान सावित्री।